ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर बिजली घर में एक कर्मचारी को धमकी भरा पत्र मिलने से बिजली विभाग में मचा हड़कंप। पीड़ित पहुंचा एसएसपी दरबार में लगाई अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार। आपको बता दें, ये पूरा मामला सहारनपुर सिटी कोतवाली इलाके बिजली घर का है, जहां तैनात सहायक लेखाकार कर्मचारी अमित कुमार ने 23 जनवरी को अज्ञात धमकी भरा पत्र मिलने की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी। अभी उस क्रम में कोई कार्यवाही हो नहीं पाई थी कि बीते 3 फरवरी को फिर एक और अज्ञात धमकी भरा पत्र लेखाकार टेबल पर मिला, जिसको लेकर पीड़ित व उसका परिवार काफी डरा हुआ है। अमित कुमार ने आज फिर आला अधिकारियों से मिलकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आवश्यक जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, एक ये एसडीओ नहीं है, सहायक लेखाकार है विद्युत विभाग में, उनके द्वारा एक दरखास्त दी गई थी और बताया गया था कि उनके पास में कुछ थ्रेटनिंग के लेटर्स आ रहे हैं। पुलिस ने तुरंत ही अभियोग पंजीकृत करके उसकी जाँच जो है क्राइम ब्रांच से हो रही है। 2 लोगों का अरेस्ट हो चुका है, एक व्यक्ति के विरुद्ध जो है वारंट जारी हो गया और उसकी वैधानिक कार्रवाई चल रही है। आज उन्होंने आके बताया कि दोबारा से उनकी पत्नी के नाम कोई गुमनाम लेटर आया है, ये हमने संज्ञान में लिया है और जो विवेचक है उनको और जो स्थानीय पुलिस है उनको अवगत कराया है, उनकी सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, विवेचना के तथ्य तो इस समय शेयर करना बहुत ठीक नहीं होगा, क्योंकि विवेचना चल रही है, मैंने आपको कहा, और विवेचना का तथ्य जो है शेयर नहीं किया जाता, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं और हमने उनकी सुरक्षा के लिए आगाह भी किया अपने फोर्स को और अपना नंबर भी मैंने उनको दिया। उनको बताया कि कोई किसी प्रकार की समस्या होती तो मुझसे भी वो संपर्क करेंगे। जो विवेचक हैं उन विवेचक को भी मैंने अवगत कराया है और हम सभी उनकी सुरक्षा बनाएंगे। मेरा नाम अमित माहेश्वरी है, मैं यहाँ बिजली विभाग में अकाउंटेंट के पद पर काम करता हूँ। 13 तारीख को एक्शन साहब थे नहीं, उनकी टेबल पर कोई एक लेटर रख गया था। जब वो आए, उन्होंने देखा कोई लेटर रखा हुआ मेरे नाम से है, तो मुझे बुला के उन्होंने लेटर दिया और जिसमें ये शहर छोड़ने 72 घंटे में शहर छोड़ दो नहीं तो जान से मारने की धमकी लिखी हुई थी। फिर हम इसमें कप्तान साहब के एसएसपी साहब के पास गए थे, उन्हें भी पूरी बात बताई, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर 3 तारीख को फिर से ही ऐसा ही हुआ, जब एक्शन साहब नहीं थे और फिर वो एक लेटर रखा मिला, फिर वो देखा, खोल के देखा, उसमें फिर ये लिखा था कि आपकी 72 घंटे का समय निकल गया, लेकिन आपने इस बारे में कुछ सोचा नहीं और इस बार आपकी पत्नी और आपको पूरी, मतलब आपको उनकी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, अपनी और अपनी पत्नी की ज़िंदगी प्यारी नहीं है। इसका एग्जैक्टली तो नहीं पता कि किस बात से है, लेकिन एक विभागीय जांच चल रही थी, उसमें मैं जांच अधिकारी था, उससे ही संबंधित, मतलब संदिग्ध उससे ही लगता है। नहीं, वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वो एक्चुअली कैमरा जो है ख़राब है, इस वजह से कोई फुटेज हम देख नहीं पाए। नहीं, ऐसा किसी पर शक नहीं है, लेकिन हाँ, जो इस प्रकरण में रहे हैं तो शायद कुछ चेकों की जांच थी, जो चेक किसी ने अपने फर्जी नाम से चेक लगा दिए थे तो वो बाद में पकड़ में आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस जो जांच चल रही है उसमें इस चीज़ को रखा जाएगा, आपकी जो धमकी मिली है उसके उस पर भी उसको ध्यान दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और अपना नंबर भी दिया है कि कभी कोई ऐसी बात हो आप तुरंत कॉल करें और